नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के ज्ञानोदय अनुसूचित जाति जनजाति कन्या छात्रावास में 3 दिन से लगातार छात्राओं की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन प्रबंधन इसको लेकर जरा भी गंभीर नजर नहीं आ रहा है। बीती रात एक बार फिर छात्रावास में 10वीं की छात्रा ने खाना खाया और खाना खाने के कुछ देर बाद ही उसके सीने में दर्द होने लगा। तभी साथ में मौजूद छात्राओं के द्वारा हॉस्टल के प्राचार्य को सूचना दी गई। उन्होंने कहा कि वार्डन को कॉल करो, मैं नहीं आ पाऊंगा। जब वार्डन से बात की गई तो वह फोन नहीं उठा रही थी। उसके बाद छात्राएं परेशान होकर 108 एम्बुलेंस को कॉल की और बीमार छात्रा को लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंची, जहां पर मेडिसिन विभाग में ले गई और उपचार करवाया गया, जिसके बाद बीमार छात्रा को साइकाट्रिक डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मैं आपको बता दें कि बीते 3 दिन के दरमियान 4 छात्रों की तबियत बिगड़ चुकी है। इसके बावजूद भी प्रबंधन छात्राओं को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले में हॉस्टल की छात्राएं और अस्पताल में पहुंची वार्डन का क्या कुछ कहना है। मुस्कान पटेल, ये कौन सा हॉस्टल का? शासकीय ज्ञानोदय कन्या छात्रावास रीवा। कैसे आप यहाँ पे आए? तबीयत अचानक से खाना खाई, उसके बाद उसके सीने में दर्द हुआ तो हम लोग हॉस्पिटल लेके चले आए। मैम को फोन लगाया तो मैम फोन नहीं रिसीव किया। प्रिंसिपल सर को भी बोले तो वो बोले अपनी मैम को फोन लगा, तो लोग मैम को भी फोन लगाए तो मैम फोन नहीं रिसीव की। ज्ञानोदय कन्या छात्रावास सिविल लाइन के पास, केंद्रीय विद्यालय के पास। हाँ, कुछ लड़कियाँ अभी कल भी एक लड़की बीमार हुई थी और 2 दिन पहले भी लड़कियाँ बीमार हो चुकी हैं। 2-3 लड़की खराब हो चुकी है। नहीं, खाना खाई है वो तो, खाना सब खाते, लेकिन खाने खाने की वजह से नहीं है, ऐसे दर्द हो जाता है अचानक। खाना तो रोज खाती थी, आज अचानक से दर्द हुआ। अभी पिछले दिनों भी जो लड़की तबीयत खराब थी, उसकी कैसे तबीयत खराब है? उन लोग बस अचानक से ऐसे दर्द हुआ। ऐसे कितने लोग की तबीयत खराब हो चुकी इस तरह से? 3-4 लोग। 3-4 लड़की कितने दिन के अंतराल में? अभी कल एक लड़की की खराब हुई थी और 2 दिन पहले एक और लड़की हुई थी, उसी दिन एक और लड़की तबीयत खराब हुई थी। और एक और आज? हाँ, आज एक और। 4-5 लड़की तबीयत खराब। कहाँ से है? मैं हूँ शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय रीवा। और इतनी रात में आप लोग हॉस्पिटल आए, क्या कुछ? वो एक लड़की हमारी 10th क्लास की है, पपिता साकेत, उसके सीने में दर्द हो रहा था और हम लोग मैम को कॉल किए हैं, मैम रिसीव ही नहीं की हैं कॉल। और प्रिंसिपल सर को भी कॉल किए, वो बोले मैम को कॉल करो, फिर इसके बाद कोई उठाया ही नहीं फ़ोन। फिर एक वो हैं गार्ड हैं हम लोग की, उनको कॉल किए हैं तो वो आई हैं और वहाँ कोई है भी नहीं, तो वो इसलिए बोले कि आप लोग चले जाओ साथ में। फिर वहाँ कोई देख ही नहीं पाता उन लड़कियों को, इसीलिए वो नहीं आ पाई। और हम लोग पहले 181 में हेल्पलाइन में कॉल किए हैं, तो वो बोली हैं कि आप लोग 108 में करिए, तो फिर हम लोग यहाँ कॉल किए हैं, फिर इसके बाद यहाँ लेके आए। बच्चियाँ हैं हॉस्टल में? हॉस्टल में लगभग 300 ही होंगी। तो अभी इससे पहले भी 2-3 दिन दरमियान अभी लगता है तबीयत खराब हो गई, क्या कुछ वजह है तबीयत खराब होने का? और ये नहीं बता सकते, पता नहीं, शायद स्ट्रेस हो पेपर की वजह से। हॉस्टल से कोई आया है आप लोग साथ में? नहीं, कोई नहीं, हम लोग के साथ में हम लोग अकेले हैं। कितने लोग आए हैं यहाँ पे? 3 हैं और मरीज एक चौथा है। 4-5 लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु कोल है, मैं क्लास 12th में। ये लड़की कहाँ की रहने वाली है? ये है हररई सतना की। अभी कल भी एक लड़की के साथ अभी तक, क्या वजह थी उसकी? उसके भी चेस्ट में भी पेन है। देखिए, परीक्षा का समय है और ये जो बच्ची अभी बीमार हुई है ये 10th क्लास की है, तो अक्सर बच्चे एग्ज़ाम के समय में थोड़ा सा टेंशन ले लेते हैं, इस वजह से थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हुई है। बच्चियाँ आए हैं 4-5 लड़कियाँ अकेले, वहाँ से बताइए, एम्बुलेंस बुलाएं काफ़ी देर, उसकी तबीयत खराब, कैसे तबीयत खराब हुई बताया जा रहा? खाना खाने का तुरंत नहीं, खाने की तो ऐसी कोई बच्चों ने जानकारी नहीं दी मुझे, मेरे सामने ही खाना बटा था। बच्चों ने बताया जैसे ही खाना खाया उसके बाद तबीयत खराब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी बच्चे ने भी यही खाना खाया है तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं। वो परीक्षा का टेंशन चल रहा है अभी, कल या परसों भी? हाँ, 2 बच्चों की, वही 10th क्लास की ही बच्चियाँ थी, तो जिनको मैंने चिरायू हॉस्पिटल में दिखाया था, ट्रीटमेंट कराया था। हाँ, 2 बजे रात हुई थी, कल भी एक बच्ची की हुई थी, तो उसको दवा देकर ठीक कर दिया गया था। क्या मानती वजह, 3 दिन के बीच में 4-4 बच्ची अचानक तबीयत खराब हो रही है, क्या कुछ
खाने पीने को लेकर तो कोई गड़बड़ी नहीं है, ऐसा बच्चों ने किसी दिन नहीं कहा मुझे, और आज भी मैं अपने सामने ही खाना मैंने बनवाया था बस। पर हाँ, बच्ची अकेले आई वहाँ से, कोई साथ में नहीं? उस बीच मेरी बात हुई थी रात्रिकालीन जो चौकीदार है, और आधे घंटे पहले मैं निकली थी हॉस्टल से, और मेरा खुद का ट्रीटमेंट मतलब कराना था, तो मैं डॉक्टर इंदुल के पास आ गई थी, और इसी बीच बात हुई थी कि बच्ची को दवाई। एक देखा जाए तो एक लापरवाही भी है, बच्ची है बताइए वहाँ से यहाँ तक आ गई, कोई इनके साथ मुझे जानकारी नहीं हो पाई, बच्चों ने फोन उठाया ना कोई? नहीं, प्रिंसिपल सर से मेरी बात हो गई थी, बच्चों का कहना है कि किसी ने फोन नहीं उठाया। नहीं नहीं, प्रिंसिपल सर से मेरी बात हुई है, और चौकीदार भी थी उनसे भी बात हुई है, उन्होंने ही बताया उस समय, वो जरूर नहीं बता पाए। मैंने कहा टेबलेट दे दो, तो बोले कि दे दिया हूँ मैम। क्या नाम है? फिर दर्द हो रहा है भैया।